रीवा जिले में एक बार फिर बस हादसा हुआ है। यह घटना गढ़ थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव में हुई है, जहां बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होने से दो व्यक्तियों की जहां मौत हो गई, वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज ट्रेवल्स की बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। घटना की जानकारी के बाद प्रशासनिक अमला पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में सुहागी पहाड़ में घटना घटित हुई थी, जहां पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचकर घटनाओं को रोकने की कवायद शुरू किया था। जांच कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन लगातार घटनाएं घटित होती जा रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। कभी सड़क तो कभी चालकों को दोषी ठहराया जाता है, जबकि नेशनल हाईवे में ज्यादातर घटनाएं जगह जगह डिवाइडर कटे होने, अचानक जानवरों के आ जाने, तेज रफ्तार और घटिया सड़क के कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रशासनिक अमला जांच कर यह बता देता है कि ड्राइवरों की लापरवाही के चलते घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आखिर घटनाएं मनगवा सुहागी के बीच में ही क्यों हो रही हैं? इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। रीवा जिले का छुईया पहाड़, गुड़ थाना क्षेत्र की मोहनिया घाटी और गढ़ थाना क्षेत्र में ही लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण दिया जा रहा है। आइए दिखाते हैं उक्त घटना और सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। तब को लोग यहाँ मौके पर पहले नंबर तो 100 नंबर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के बाद 100 नंबर के बाद फिर मने थाना प्रभारी मनगवा थाना कंजो चौकी और आपके सुहागी थाना कलेक्टर साहब आए रहे और कलेक्टर एसपी शायद है कि कुछ दूर तक आए थे, इसके बाद वापस चले गए। अच्छा, यहाँ तक नहीं आए? हाँ, नहीं आए थे। डी ठीक है, मैं आज उस स्थान पर खड़ा हूँ कि जहाँ आज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर थाना गढ़ जिला रीवा में बस हादसा हुआ है। गनीमत यह थी कि बस में सवारियाँ कम थी, 30 सवारियाँ थी, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। किंतु चालक की लापरवाही, या तो नींद में चालक थे या कैसे हुआ, प्रत्यक्ष दर्शियों से मैं बात करता हूँ। यहाँ ग्राम पंचायत टिकुरी के सरपंच और भूतपूर्व सैनिक भी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ कि इस संबंध में आपको क्या जानकारी हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश प्रसाद साकेत है जी, सरपंच ग्राम टिकुरी 32 विकास खंड गंगे जिला रीवा। ये बस हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? ये बस हादसा तकरीबन 3:30 के आसपास हुआ है, और मुझे 4:15 के आसपास से सूचना मिली कि ऐसी ऐसी हालात है। तो उसमें हमें जैसे कुछ सूचना मिली तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और एम्बुलेंस को। उसके बाद यहाँ जो भी गांव के इर्द गिर्द के हमारे ग्रामवासी थे, उन्होंने इसको सहयोग करके, इसमें दो आदमी पूरी तरह से फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम किया, और जो 25 पूर्ण रूप से घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवाने का काम किया है, और कुछ सलामत भी हैं 2-3। मौके पर आपके सूचना पर यहाँ कौन कौन पहुँचे? हमारे मौके में यहाँ सूचना मिलते ही पूरा सुरक्षा बल, आपका पुलिस प्रशासन पहुँचा, थानागढ़, थाना मनगवा और थाना नईगढ़ी सुहागी भी था, और एसपी कलेक्टर साहब आए, और सचिव महोदय और पटवारी और जनपद सीओ महोदय भी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे। ये जब हादसा हुआ तो ये किससे हादसा हुआ? ये गिट्टी से भरा हुआ ट्रक था। ट्रक में गिट्टी कितनी लोड थी? वो फुल ओपन बॉडी था, पूरी बॉडी बॉडी वाला था, पूरी बॉडी फुल थी, जो भी जहाँ हो 25 टन। ट्रक का नंबर मालूम तो है आपको कि नहीं है? ट्रक का नंबर हमने नहीं पता है, क्योंकि हमने उसमें ध्यान नहीं दिया है, और अच्छा। पुलिस में वो खड़ा हुआ है ऑलरेडी, पुलिस थाने में खड़ा है। इसका क्या मृतकों की जानकारी है? मृतकों की जानकारी अभी तक नहीं हुई है कि कौन कहाँ के हैं, जैसे जानकारी लग जाएगी। ये हादसा रात के हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल रात में। अच्छा, आपका नाम क्या है? उमेश तिवारी। आप क्या हैं? सचिव यहाँ पर जाते हैं। इतने बस और ट्रक की भिड़ंत में क्या कैसे सर, कितने घायल हैं? पक्षीराज बस शहडोल से प्रयागराज जा रही थी, आज सुबह 3:30 को लगभग एक्सीडेंट हो गया। बस का ट्रक से भिड़ंत हो गया, जिसमें चालक मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, और एक यात्री की भी घटनास्थल पर मृत्यु हुई। लगभग 25 लोग इस दुर्घटना से घायल हुए थे,
सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय घटनास्थल पहुँचे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल SGMS सभी को अलर्ट पोजीशन पर रखा गया था। डॉक्टरों की टीम और उनके एसोसिएट सभी उपस्थित थे। मैं स्वयं SGMS में अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में था। डॉक्टरों की टीम ने घटनास्थल से आए घायलों की उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यहाँ पे 7 लोग लाए गए थे SGMS में, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं, शेष लोगों का उपचार चल रहा है, वो साधारण किस्म की उनको छोटे हैं। बाकी जो घायल थे उनको वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सभी लोगों की इस तक जानकारी एकत्र की जा रही है और उनके सहयोगी साथी नहीं हैं उनके घरों में भी सूचित किया जा रहा है। सर, घटना कारण क्या बताया गया? अभी जो है जो जानकारी जितनी प्राप्त हुई थी वो हमने आपको शेयर की है और शेष जानकारी कितने लोग खत्म हुए हैं कितने लोग खत्म हुए हैं सर? 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं, एक चालक है और एक यात्री। दूसरे वाले कहाँ गए हो?